हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी पी आर क्रिएशन 52। तो आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम फीस के बारे में। किस तरह से फीस डिडक्शन करेंगे, कैसे फीस काटेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा उसका, और किस किस माध्यम से हम फीस काट सकते हैं। और आपके सामने आ रहा है पे एग्जामिनेशन फीस, इसके सामने क्लिक करेंगे। ये जो एरो वाला इंसान है, इसके सामने क्लिक करेंगे। और तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। अब आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे। आगे हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डे, मंथ, ईयर, और आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यूपी के निवासी हो तो यस, अन्यथा नो। कैटेगरी और कैप्चा क्लिक किया और प्रोसीड किया। अब देखिए, आपका जो ऑथेंटिफिकेशन होगा दो माध्यम से होगा, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर क्लिक कीजिए, अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो ईमेल आईडी पे क्लिक कीजिए। तो मेरे पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, मैंने इस पर क्लिक किया। और आपको बता दूं कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब देखो, मैंने आगे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सेलेक्ट किया। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह आपके सामने विंडो खुलेगा। तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और नीचे देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन अगेंस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह विंडो खुल के आएगी। अब आपके सामने एसबीआई का पेज खुल के आया। जो ये उंगली वाला निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे एक बार और प्रोसीड टू पेमेंट। तो आपके सामने एसबीआई की वेबसाइट खुल के आएगी। आप किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो, थोड़ा इस टाइम साइड का इशू है। अब देखो, स्टेट बैंक MOPS ये लिखा हुआ है, मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम, प्रोसीड फीस डिपोजिशन पर क्लिक करेंगे। ये जो आपको गोला दिख रहा है, इस पर क्लिक करके फीस डिपोजिशन, ओके, ओके पर क्लिक करके आपके सामने सारे ऑप्शन खुल के आ गए। जैसे नेट बैंकिंग है, अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, या अदर नेट बैंकिंग, SBI की नेट बैंकिंग है आपके पास, या फिर किसी और बैंक की नेट बैंकिंग है और आपके पास में स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है, या अदर किसी बैंक का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, और आप अदर पेमेंट मोड से भी कर सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करोगे तो 12 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे इसमें, और UPI से पेमेंट करते हो आप तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। UPI में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसका QR कोड भी आएगा, QR कोड के माध्यम से आप फीस काट सकते हो, या फिर लास्ट में SBI ब्रांच से जाके आप फीस कटवा सकते हो अपनी ऑफलाइन चालान जो बोलते हैं।